हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर आज हम और आप दोनों मिलकर अनंत गिरी हिल्स के ट्रिप का आनंद लेते हैं साथ साथ। सुबह के 3 बज रहे हैं और हमें जाना है अनंत गिरी हिल्स। हैदराबाद से लगभग 2 घंटे का ड्राइव है, 2 घंटे का सफ़र है। तो हमने सोचा कि सूर्योदय के पहले पहुँचें। हमारे साथ में जो जा रहे हैं उनके नाम बोलता हूँ, विक्रम, समीर, सचिन, सालाम, अजर, सरदार जी जगदीप, अभिलाष, पीयूष और एक आदमी है जो जाना चाहता था पर दुविधा हो गई उसके साथ, उसका नाम है भरत। दुविधा ये हो गई है कि उसके पास बहुत सारा काम है, तो काम उसके लिए सर्वोपरि है। वो काम ख़त्म करेगा फिर अगले संडे एंजॉय करेगा, अगला संडे आएगा, अगले संडे को भी काम आएगा, फिर से वो बोलेगा कि नहीं इस संडे भी काम करना है और फिर अगले संडे एंजॉय करूँगा। तो खैर ये सिलसिला चलते रहेगा और बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हसीन सफ़र हैदराबाद से लेकर के अनंत गिरी हिल्स तक, जो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। दैट्स अ वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय द कूल ब्रीज ऑफ दैट डेंस फॉरेस्ट। सुबह सुबह लगभग 3 बजे और ये है अभिलाष। हाय अभिलाष, वी विल एक्सप्लोर अनंतगिरी एंड लेट यू नो व्हाट अनंतगिरी इज ऑल अबाउट, राइट। अभी एक लाइन से ये जो पोज देते हुए हमारे ये समीर सर है, समीर सर आप थोड़ा आगे आइए। हाँ ये देखिए इनके अंदर की जो जवानी है ना वो कूट कूट के बाहर निकल रही है आज हमारे साथ में। वी गोना हैव फन, राइट। एंड हमारे साथ में सचिन, इधर आओ सचिन। हाय, ये है सचिन। तो ये जो पूरा ट्रिप अरेंज किया है वो सचिन ने किया है, स्पॉन्सर्ड बाय सचिन, राइट। सारा खर्चा इनके तरफ से है। अब सालम आ जाओ, ये जो बाजीगर जैसा दिखता हुआ लड़का है ये है हमारा सालम, ये हमारे साथ में जा रहे हैं। सालम के साथ में हमारे पास में है मिस्टर अजहर। अजहर, अजहर बाबू कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है सर। ओह ग्रेट, अभी ट्रिप वैसे चालू नहीं हुई है और इनको इतना मजा आ रहा है। ट्रिप चालू होगी तो कितना मजा आएगा। ये वो इंसान है जो ऊपर से मजे लेने में विश्वास रखते हैं। आ जाओ। एंड ये है विक्रम, इनसे आप मिल चुके हो। सो बेसिकली ही इज द कैमरामैन फॉर दिस एंटायर शूट। अब इनसे भाई तमीज से बात करनी पड़ेगी, सब कुछ सेंसर्ड होना चाहिए। क्यों ये नहीं बता रहे हैं? बताइए, समझा रहे हैं? कहाँ जाए, जो भी जा रहे हैं ओके, तमीज से जाए, तमीज से जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं अपनी भाषा पर संयम रखूं। संयम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल रखूंगा। अरे ये तो भैया जाग रहे हैं, हमें लगा सो रहे होंगे।
रास्ते में हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करने का सोचा। कहाँ सोचा है? ये है ढाबा ओपन, ये एक, तो रास्ते में जाते वक्त ये जगह पड़ती है जहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा विश्राम करना चाहिए थोड़े समय के लिए। और ये जो जगह है इसका नाम है ढाबा ओपन, और अभी बारबेक्यू कर रहे हैं। हम बारबेक्यू दिखाएंगे, ये जो विलन जैसा दिख रहा है ना, शकल दिखाओ अपना विलन, शकल दिखाओ। हाँ, ये ग्रिल है और यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, बारबेक्यू करेंगे अभी? श्योर, ओके। चिकन क्या ये है ना, ये चिकन ही है, चिकन मतलब क्या ऑफलेस। वैसे ठंड का मौसम तो अभी एग्जैक्टली आया नहीं है, पर सुबह सुबह ठंड लग रही है। नहीं है? अब बेचारे फील ले रहे हो तुम, इसको बोले फील लेना, समझे? मैंने बोला था ना, इसको आदत है ऊपर ऊपर से मजा लेने का। वाह, आनंद देखो, चारों तरफ जंगल, अंधेरा, ये है हाईवे और ये है ढाबा, है ना खूबसूरत। हाँ, अबे टोस्ट खाएंगे अभी, ये देखो गर्मा गर्म कॉफी निकल रही है, कॉफी पियेंगे ना भाई, उसमें कितना है? दो। हमको भी तो चाय दो, चाय दो। कॉफी, कॉफी है? हाँ हाँ, हम कॉफी ले लेंगे। ये है कॉफी। चेयर्स 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 गाइस, चेयर्स। हाँ जी, चेयर्स चेयर्स। हाथ में ले लेना, उसमें तो डुबा डुबा के खा रहा है। यस, चेयर्स। खाते में कितना खूबसूरत लगता है बेतू, है ना? हाँ, तो चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो गया, सब लोगों का सब गर्माहट ले लिए, बारबेक्यू हो गया, और अभी हम लोग वापस बैठ रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ, बंद करो। हाँ भाई साहब। यस सर। कब तक पहुँचेंगे आप? एक घंटे में। एक घंटे में ऐसे रुकते रहे इतना मजा ले लेके, तब तो लगता है कि पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। पहुंच जाएंगे सर। हाँ? रोड सही रही तो बहुत जल्दी। रोड इसके बाद उम्मीद मत रखो रोड सही होने का। क्या ये बता, ये इन लोगों का स्टाइल क्या है ऐसा ऐसा, ये कवर कर लेने का? ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया। ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा हो गया, सबसे जवान तो वही लग रहा है यार। तो हम पहुंच चुके हैं अब अनंतगिरी हिल्स पर। सुबह सुबह ये कुहासा, ये हल्का सा अंधेरा और बुलेट की तड़तड़ाहट, वाह। हमने सुनी थी चांदनी रात होती है, आज हम आपको चांदनी सुबह दिखा रहे हैं। और चांदनी सुबह के साथ साथ जब सुबह होता है तो आप लोग अपने दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम आज अपने दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। और अब ये जितने लोग हैं, इन लोगों के हाथ में है लाल सांड। हाँ वही है ना, रेड बुल इज व्हाट, लाल सांड। मेरे हाथ में तो चाय है यार, हम सीधे आदमी हैं। ये देखिए, ये है लाल सांड। और चलिए हम सब लोग चेयर पीना, ये नियम के खिलाफ है। हाँ, ये नियम है, बिरादरी से बाहर कर दो इसको। चलो चेयर्स चेयर्स। स्वाद बताइएगा पी के कैसा लगा। हाँ, रेसिपी ठीक है? Me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and found a feeling. And nothing got it feel like a sin night. Hey, come on, closer.
my name like ooh, somebody else and then it's you. Ooh, ooh, falling in with you, not the only one doing me. You already feel it that. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell love feeling. चारों ओर पर्वत, आस पास ये झाड़ियाँ और नीचे राहों में नुकीले पत्थर। इन पत्थरों से गुजरते हुए पहाड़ी की चढ़ाई, अंग्रेजी में इसे ही तो ट्रेकिंग कहते हैं। हम सब हैदराबाद से लगभग 2 घंटे का सफर तय करके अभी आ चुके हैं इस अद्भुत अनुभव को जीने के लिए। ये इस वक्त जो नज़ारा है चारों तरफ पहाड़ के बीच में एक छोटी सी नदी है झरने से निकलती हुई, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पानी का जो गिरना है पत्थरों पर, उनके जो खनकने की आवाज़ है, ये आप महसूस कर सकते हैं। और ये सीधा आपके यहाँ मन पर असर करती है, दिल को छूती है। इतना मधुर और मनोरम दृश्य अगर देखने को मिले तो मन ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो जाती है। मैं अब आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ और ये दिखाता हूँ कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे गिर रहा है और कहाँ जा रहा है। इतना साफ और निर्मल पानी कहाँ मिलता है, प्रकृति की गोद में और कहाँ। तो ये जो पानी इन पत्थरों पर टकराते हुए गिर रही है, ये जो ध्वनि है, मनमोहक ध्वनि, सिर्फ मन को ही नहीं आत्मा को भी तृप्त करती है। अगर आप अपने आप को इस जगह पर आने का उपहार स्वरूप सौभाग्य भेंट करें तो चप्पल पहन कर ना आए, जूता पहनना बहुत जरूरी है। वो क्या है ना कि नीचे नुकीले पत्थर हैं और पहाड़ी पर चढ़ना है, तो अगर आप फिसल गए तो हड्डियां टूट सकती हैं। वैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बात की गारंटी तो जरूर दे सकता हूं कि ये जो हिल स्टेशन है वाकई में बहुत बढ़िया है, इसीलिए तो हम कूदाफानी कर रहे हैं जी। आप भी आइए और आप भी कूदाफानी कीजिए। 1, 2, 3, come on! तो पूरा ट्रैकिंग करके घूम करके अभी थक गए हैं और ये ज़मीन पर लेटे हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हमारा पूरा गैंग है जो अभी विश्राम फरमा रहा है। जगदीप, कितना किलोमीटर का ये था पूरा ट्रैकिंग जो हमने किया अभी? हम लोग लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग कर चुके हैं अभी तक और थक के चूर हो चुके हैं। विश्वास मानो, ये जगह आओ और एक्सप्लोर करो, इससे बढ़िया जगह आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं किया। हैदराबाद में अगर आप रहते हो और ये जगह आपने एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है फिर आपने। तो क्या क्या देखा हमने? इधर झरना है, अच्छा जंगल है, हिरण को दिखा, मयूर भी तो देखा, मयूर दिखा, हिरण दिखा, बहुत कुछ दिखा और तितलियां दिखी।
सुबह सुबह उड़ने वाली चलने वाली सर, ये आप समझ लो। हाँ ये है पीक, अगर आपको दिख रहा होगा ना तो ये है व्यू पॉइंट। बेसिकली ये पूरा ट्रैकिंग करके आपको फाइनली वहाँ जाना होता है और वहाँ से आपको पूरे पहाड़ से जो नज़ारा दिखता है मनोरम, अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। हर हर महादेव। इस पहाड़ी पर एक शिवलिंग, महादेव की मूर्ति और नंदी महाराज भी हैं। और हाँ, हमने सुना है कि ये जो नंदी महाराज हैं, जब कोई व्यक्ति इनके साथ में सेल्फी लेता है तो इनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। हिल्स घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कोटेपल्ली रिजर्वायर। तो वहाँ पर बोटिंग होती है, कैंपिंग होती है, वहाँ लोग रात को टेंट लगा करके सोते हैं, प्रकृति के गोद में जीवन का आनंद लेते हैं। उस आनंद को हम आपको इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो नीचे, यहाँ नीचे ना वो कमेंट करना होता है, कुछ नहीं तो कम से कम गरिया दीजिएगा, खुशी मिलेगी। थैंक यू। इस वक्त जा रहे हैं कोटेपल्ली रिजर्वायर, एक लेक। हमारे पीछे ये जो गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में दूसरी टीम है और हम हैं इस गाड़ी में सफ़र करते हुए। तो हम आए थे वो रिजर्वायर की तलाश में जो लेक है, पर मिला नहीं। तो क्या करें, वापस जाना पड़ेगा। वापस चलते हैं और हम आपको बाकी का जो बचा हुआ जंगल है वो हिस्सा दिखाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हाँ, इधर से हमको जाना है वो रिजर्वायर डैम जाना है। कहाँ से जाएंगे? डैम है इधर। जाते हैं? अरे वाह, आपको हिंदी मालूम? तेलुगु। तेलुगु मालूम है? हमको तेलुगु नहीं मालूम, आपको हिंदी नहीं मालूम? तेलुगु मालूम, तेलुगु मालूम, हिंदी मालूम। ननके कन्नड़ गोत्तु थाती जाते। हाँ, ये जो सर है ना, ये सेठ है हमारा, सेठ जी। हाँ सेठ, दोस्त। अरे दोस्त, ओ दोस्त, देखा ऐसा दिखा रहा है, दोस्त। गुड गुड दोस्त। अच्छा, वो तुम दोनों दोस्त हो गया, ऐसा बोल रहे हैं क्या? अरे भाई, ये तुम्हारा दोस्त हो सकता है, हमारा सेठ है दोस्त। अरे वो इसका मतलब समझा क्या? एक और आ रहा है धूम। I can. ये है प्राकृतिक झरना, देखिए आनंद। Light me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost. तो इसी के साथ हमारा ये अनंतगिरी हिल्स का सफर यही खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया
हमारा ये वीडियो देखने के लिए, और फिर से हम मिलेंगे किसी नए जगह पर, नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए, नई चीज़ों के बारे में बात करते हुए। तो ये वीडियो तो यहीं तक था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद नहीं भी आया होगा तो कौन सा आपका पैसा लगा है, फोकट में ही हम लोग आपको इतना सब कुछ ऐसे ही दिखा दिए। चलिए फिर मिलेंगे इसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और खास करके अपने पड़ोसियों का तो और भी ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ट्रेलर रिलीज करेंगे, उसके बाद पिक्चर रिलीज करेंगे। जय हिंद।